नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस से विक्स का 5th चैप्टर, जिसका नाम है द स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियो साइंस के, हिस्ट्री के वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य शासन। इन द लास्ट चैप्टर्स वी अंडरस्टूड द नेचर ऑफ यूनियन पार्लियामेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। पिछले चैप्टर्स में हमने ये देखा है कि यूनियन पार्लियामेंट यानी हमारी केंद्र की, दिल्ली की जो संसद होती है वो कैसे कैसे होती है, उसकी रचना, और यूनियन एग्जीक्यूटिव केंद्र का कार्यपालिका यानी शासन, गवर्नमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हमने सीखा है, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, उसके बारे में। वी वेयर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। हमने पिछले चैप्टर में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हमारी जो एकत्रित न्याय व्यवस्था है, उसके बारे में भी सीखा भारत के। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और स्टेट गवर्नमेंट। तो इस पाठ में हम क्या सीखने वाले हैं, राज्य शासन के बारे में सीखने वाले हैं, यानी राज्य का जो सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बारे में, उसकी रचना कैसे होती है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। इन द फेडरल सिस्टम द गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट टू लेवल्स। फेडरल सिस्टम यानी संघ राज्य व्यवस्था, यानी हमारे देश में कई सारे राज्य है ना, उनका संघ है, ठीक है, उसे कहते हैं संघ राज्य व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, फेडरेशन सिस्टम। तो उसमें दो लेवल पर सरकारें होती है शासन, एक केंद्र शासन होता है और एक राज्य शासन होता है। तो ऐसे दो अलग, उसके बाद तीसरी लेवल भी होती है जो लोकल गवर्नमेंट होती है, महानगर पालिका वगैरह, ग्राम पंचायत वगैरह। फेडरल दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स एट द रीजनल ऑल और स्टेट लेवल। फेडरल गवर्नमेंट या फिर हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय शासन जिसे कहते हैं, वो राष्ट्रीय लेवल पर काम करता है, राष्ट्रीय सतह पर पूरे देश के लिए काम करता है। और राज्य शासन जो होता है, राज्य सरकार, वो राज्य के लिए होता है, उनके बीच में जो है अधिकारों की विभागनी की जाती है, यानी अधिकारों का विभाजन किया जाता है। कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होते हैं, कुछ अधिकार जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को होते हैं। बैकग्राउंड, इंडिया हैज़ अ लार्ज ज्योग्राफिक एक्सपांस विद अ मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन। देखिए भारत, हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली, एरिया वाइज और कल्चरली बहुत ज़्यादा कल्चर्स है हमारे देश में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जनसंख्या हमारे देश की। तो ऐसे इसमें बस एक ही केंद्र सरकार हो तो काम नहीं चलेगा, एक ही केंद्रीकृत शासन हो तो वैसा नहीं होगा, डिवीजन ऑफ पावर भी आवश्यक है। देर इज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, रिलीजन, वेज ऑफ लाइफ, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा। हमारे देश में कई सारे भाषाएं हैं, कई सारे रिलीजन्स है, कई सारे जीने के तरीके हैं, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक रीजन के अनुसार कैरेक्टरिस्टिक्स बदलती जाती है। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू गवर्न फ्रॉम अ सेंट्रलाइज प्लेस, देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड अ फेडरल सेटअप फॉर इंडिया। तो केवल एक ही केंद्रीकृत शासन नहीं चल सकता, केवल आप दिल्ली से चला रहे पूरे देश को तो ऐसा नहीं चल सकता, इसलिए हमारे संविधान में फेडरल सेटअप यानी संघ राज्य व्यवस्था बनाई गई है, यानी राज्य के लेवल पर अलग से सरकार होगी, शासन होगा, और केंद्र के लेवल पर अलग से शासन होगा, उनका अधिकारों का विभाजन किया जाएगा, उनके अधिकार अलग होंगे, उनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होगा। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉर्म द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये डिसाइड किया गया स्वतंत्रता मिलने के बाद कि हमारे देश में राज्य जो होंगे वो भाषा के अनुसार होंगे, जैसे मराठी भाषा बोलने वालों का महाराष्ट्र राज्य, गुजराती भाषा बोलने वालों का गुजरात राज्य, कन्नड़ी भाषा बोलने वालों का कर्नाटक राज्य, ऐसे भाषा के अनुसार राज्य बनाए गए। अकॉर्डिंगली लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस, उसके अनुसार भाषा के अनुसार पुनर्रचना की गई राज्यों की। द नेचर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इज सेम। देखिए सभी राज्यों में जो शासकीय व्यवस्था है वो लगभग सिमिलर है, सेम है। हाउएवर जम्मू एंड कश्मीर इज एन एक्सेप्शन। जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ी सी अलग बात थी, अभी ये पुस्तक जब लिखी थी आपकी 2018 में वगैरह लिखी है, तब जम्मू कश्मीर जो है वो एक स्टेट था, उस समय
छह साल का राज्य शासन का कार्यकाल था। उसके बाद 2019 में जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर का 2019 से पहले आर्टिकल 370 हटाने से पहले 5th ऑफ अगस्त 2019 को एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन रहा इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में। तो उस समय उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का अलग से संविधान था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी, उनके अलग कानून थे, उनका अलग सुप्रीम कोर्ट था, भारत के कानून वहाँ पर लागू नहीं होते थे। तो 2019 के बाद ये सब बदल गया और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, और एक विधान एक निशान एक प्रधान, मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो पहले 1962 तक जम्मू कश्मीर के भी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। वहाँ पर अलग संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन 2019 तक वहाँ पर अलग से सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ उनका अलग झंडा था, तो उसके कारण वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत बढ़ती गई थी। तो वो सब बदल गया 2019 के बाद, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वो बदल दिया और भारत का संविधान जम्मू एंड कश्मीर में लागू कर दिया। तब ये अभी एक्सेप्शन नहीं है, ये पुस्तक जब लिखी थी तब एक्सेप्शन था। लेट अस नाउ स्टडी द गवर्नमेंट्स इन स्टेट्स इन विथ रेफरेंस टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड हम कैसे होता है राज्य शासन वो देखेंगे। डू यू नो इंडिया हैज 29 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ दीज स्टेट्स। देखिए ये गलत है, अभी थोड़ी रचना बदल गई है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स है, भारत में अभी 28 राज्य है, और जो है 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले 29 स्टेट्स थे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, अभी वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तो उसके कारण एक राज्य कम हो गया और यूनियन टेरिटरी बढ़ गई। तो 29 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है भारत में। तो ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है जब आपका पुस्तक लिखा गया था, ठीक है। तो इंडिया हैज 28 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड देर आर 31 विधानसभास। राज्य का अधिनियम कानून बनाने के लिए विधानसभा होती है, जैसे केंद्र में संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा, वैसे राज्य में विधानसभाएं होती है। तो 28 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है लेकिन 31 विधानसभा है। कैसे, इसका कारण क्या है? दिस इज बिकॉज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव विधानसभा। यानी यूनियन जे देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, फिर भी वहां पर उनकी विधानसभा है। बाकी यूनियन टेरिटरीज को विधानसभा नहीं है, लेकिन इन तीन यूनियन टेरिटरीज को विधानसभा है राज्यों की तरह। उसके कारण 31 विधानसभाएं हैं और 28 राज्य है। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का जो होता है अधिनियम कानून कैसे बनाए जाते हैं। लाइक द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल एवरी स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट होती है, संसद होती है केंद्रीय सतह पर, सेंट्रल लेवल पर, वैसे स्टेट लेवल पर अपनी एक कानून बनाने की यंत्रणा होती है, व्यवस्था होती है, उसे कहते हैं विधानसभा। बट ओनली 7 स्टेट्स इन इंडिया हैव 2 हाउसेस दैट इज बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स। देखिए 7 राज्यों को बाय कैमरल यानी द्विसदनीय लेजिस्लेचर है, यानी जैसे हमारे केंद्र में 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही इन 7 राज्यों के द्विसदस्यीय लेजिस्लेचर द्विसदनीय लेजिस्लेचर होता है, यानी लोअर हाउस होता है विधानसभा और अपर हाउस होता है विधान परिषद, लेकिन बाकी के जो राज्य है बचे हुए वहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही होती है, विधान परिषद वहां पर नहीं होती। महाराष्ट्र हैज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर, तो महाराष्ट्र उनमें से एक राज्य है जिनमें 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है राज्य सतह पर। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नोन एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC, यानी विधानसभा के मेंबर्स को कहा जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद के मेंबर्स को कहा जाता है MLC, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र, लेजिस्लेचर ऑफ यानी जहां पर कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र हैज 2 हाउसेस नेमली विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। 2 सदन है महाराष्ट्र के लेजिस्लेचर के,
एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। देखिए ये है विधान भवन, यहाँ पर हमारी विधानसभा भरती है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेचर एंड कंप्राइजेस ऑफ 288 मेंबर्स। ये पहला सदन होता है महाराष्ट्र लेजिस्लेचर का, उसमें 288 मेंबर्स होते हैं। विधानसभा में 288 मेंबर्स हैं। इन केस देर इज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द गवर्नर नॉमिनेट्स वन मेंबर फ्रॉम दिस कम्युनिटी इन द विधानसभा। अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कुछ कम मेंबर्स रिप्रेजेंट किए गए हैं तो राज्यपाल एक सदस्य उसको नियुक्त कर सकते हैं विधानसभा में। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एससी और एसटी के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती है। महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, अलग अलग मतदार संघों में महाराष्ट्र को विभाजित किया गया है। यानी 288 सीट्स है महाराष्ट्र के विधानसभा में, यानी महाराष्ट्र राज्य के 288 डिविजन्स किए गए हैं और एक हर एक छोटे टुकड़े से एक मेंबर चुनकर आता है विधानसभा में, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक मेंबर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जाता है। टेन्योर ऑफ विधानसभा इज 5 years, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। However, in exceptional circumstances, elections can be held before the completion of 5 years. लेकिन अगर कुछ समस्या आती है, यानी सरकार अगर गिर जाती है, कैसे गिर जाती है वगैरह मैंने केंद्रीय संसद जो है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर में बताया है कि अगर सरकार गिरना यानी क्या होता है। यानी सरकार, देखिए महाराष्ट्र में अगर किसी को शासन स्थापित करना है, सरकार स्थापित करना है, गवर्नमेंट अगर बनानी है, तो 288 के हाफ यानी 144 + 1 145 मेंबर्स जीत कर लाने पड़ेंगे। अगर 145 मेंबर्स में से 145 से ज्यादा मेंबर्स आए तभी वो पार्टी सरकार स्थापन कर सकती है, अगर नहीं तो युति बनानी पड़ती है यानी कोएलिशन। तो एक पार्टी के 100 मेंबर्स होंगे, दूसरे पार्टी के 45 मेंबर्स होंगे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करके सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर उनका झगड़ा होता है और वो सपोर्ट निकाल लेती है तो 145 से नीचे आ गए, इसका मतलब सरकार गिर गई। तो ऐसे केस में जो है 5 वर्षों से पहले ही इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, चुनाव करवाने पड़ते हैं। इसके बारे में मैंने द इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर में डिटेल में बताया है, वो देख कर आप समझ सकते हैं। Any citizen residing in Maharashtra and who has completed 25 years of age can contest the elections to the Vidhan Sabha. Vidhan Sabha ke chunav mein khade rehne ke liye koi bhi Maharashtra mein rehne wala nagrik jo hai aayu ke 25 varsh pure karne ke baad chunav lad sakta hai Maharashtra Vidhan Sabha ke liye. Speaker of Vidhan Sabha, Vidhan Sabha ke jo adhyaksh hote hai unka kya hai, dekhiye. The proceedings of Vidhan Sabha are carried out under the supervision and guidance of the speaker. जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे ही विधानसभा के भी स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो वो जो है अपना पूरे विधानसभा पर कंट्रोल करते हैं। जब विधानसभा अधिवेशन चल रहा होता है, चर्चाएं कर रहे होते हैं सदस्यगण, तब वो कंट्रोल रखते हैं। जो सेंट्रली कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई देते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वो पूरा कंट्रोल करते हैं कौन किसको कब बोलने को बताना है, कौन कब बोलेगा, कौन कब रुकेगा। वैसे द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड विधानसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ विधानसभा फ्रॉम अमंग्स देमसेल्स। जब 288 जब नए नए चुनाव होते हैं और 288 मेंबर्स ऑफ विधानसभा चुने जाते हैं, तो महाराष्ट्र के लिए 288 है, बाकी राज्यों के लिए अलग संख्या होती है। तब विधानसभा के मेंबर्स ही स्पीकर को चुनकर लाते हैं और डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष विधानसभा के। द स्पीकर हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच रेंज फ्रॉम द पावर टू प्रिपेयर द ऑर्डर ऑफ बिजनेस, टू कैरी आउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस इन अ डिसिप्लिन मैनर, और टू सस्पेंड मेंबर्स फॉर बिहेवियर और मिसकंडक्ट। स्पीकर के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास कई सारे जिम्मेदारियां होती है, जैसे विधानसभा का काम कर चलवा मतलब काम करवाना ठीक से, यानी अनुशासित पद्धति से। अगर कोई अनुशासन तोड़ रहा है, कोई मिसबिहेवियर कर रहा है विधानसभा में, तो उसको सस्पेंड कर देना, उस मेंबर को निलंबित कर देना वगैरह, ये अधिकार होते हैं विधानसभा अध्यक्ष के।
इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द डेप्यूटी स्पीकर। अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो किसी कारणवश तो उपाध्यक्ष काम करते हैं उनके स्थान पर। महाराष्ट्र लेजिस्लेचर कंडक्ट्स मिनिमम 3 सेशंस इन अ ईयर। महाराष्ट्र की विधानसभा जो है कम से कम 3 अधिवेशन करवाती है वर्ष में। द बजट सेशन एंड मॉनसून सेशन इज कंडक्टेड इन मुंबई वाइल द विंटर सेशन इज कंडक्टेड इन नागपुर। बजट सेशन यानी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जो होता है और जो पावसाड़ी अधिवेशन जिसे कहते हैं बारिश के मौसम में होता है, ये दो अधिवेशन जो है वो मुंबई विधानसभा में करवाए जाते हैं। और चूंकि नागपुर जो है वो हमारा उपराजधानी है तो जो सर्दी की हिवाड़ी अधिवेशन जिसे कहते हैं विंटर सेशन वो जो है नागपुर में करवाया जाता है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज द सेकेंड हाउस ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेचर एंड मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये दूसरा सदन होता है महाराष्ट्र विधान का और इसमें इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जैसे विधानसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली चुने जाते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और हम उन्हें चुनकर भेज देते हैं, वैसे इनके नहीं, उनके इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे इनडायरेक्टली देखेंगे, देर आर 78 मेंबर्स इन द विधान परिषद ऑफ महाराष्ट्र। टोटल 78 सदस्यगण होते हैं विधान परिषद महाराष्ट्र में। ऑफ दीज सम मेंबर्स हु आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर साइंस एंड सोशल सर्विस आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। इसमें से कुछ विशेष कार्य काम करने वाले लोग जैसे साहित्यिक होते हैं, लेखक वगैरह, कवि हो गए या फिर शास्त्रज्ञ साइंटिस्ट हो गए या फिर सामाजिक कार्य करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोग जो है विशेष करके राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कुछ उन्हें चुनकर आने की जरूरत नहीं होती, वो राज्यपाल उनको भेजते हैं विधान परिषद में। रिमेनिंग रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ विधानसभा, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बचे हुए जो सदस्यगण होते हैं वो विधानसभा के सदस्य उनको चुनकर भेजते हैं विधान परिषद में। कुछ लोकल गवर्नमेंट जैसे महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, उसके जो होते हैं वो चुनकर भेजते हैं। और टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी शिक्षक गण जो होते हैं राज्य के, उनके वो कुछ मतदान करके भेजते हैं। और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी जो ग्रेजुएट्स होते हैं यानी जो पदवीधर होते हैं, स्नातक जिन्हें कहा जाता है ग्रेजुएट्स, उनको भी वोटिंग का अधिकार होता है और वो वोट करके देकर भेज सकते हैं। द विधान परिषद इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व। जैसे राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है वो कभी पूर्णतः विलीन नहीं होता, वैसे ही विधान परिषद कभी भी पूर्णतः डिसॉल्व नहीं होता, वो हमेशा रहता है। अगर विधानसभा डिसॉल्व भी हो गया, हर 5 साल बाद विधानसभा डिसॉल्व होती है, लेकिन विधान परिषद कभी डिसॉल्व नहीं होती। अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स एंड दीज वैकेंट सीट्स आर फिल्ड अगेन बाय कंडक्टिंग फ्रेश इलेक्शंस फॉर दो सीट्स। कुछ सदस्यगण जो होते हैं वो हर 2 वर्षों बाद रिटायर होते हैं, निवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए इलेक्शंस करवाकर भरी जाती है। द प्रोसीडिंग्स ऑफ विधान परिषद आर कंडक्टेड अंडर द कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ द चेयरमैन। विधान परिषद के अलग से अध्यक्ष होते हैं और उनकी निगरानी में उसका कार्य करवाया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन द डेप्यूटी चेयरमैन टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करवाते हैं विधानसभा की तरह है। एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र कार्यपालिका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार, ये सारे टर्म्स हैं, ये कैसे काम करती है। द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुगेदर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नर यानी राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिमंडल, ये सब मिलकर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका बनाते हैं, महाराष्ट्र शासन बनाते हैं। गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर यानी राज्यपाल। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एट द सेंटर व्हाइल
The governor is the titular or nominal head at the state level. जैसे राष्ट्रपति महोदय हमारे केंद्र के प्रमुख होते हैं, नामधारी प्रमुख, सेरेमोनियल प्रमुख होते हैं, उनको कोई अधिकार, विशेष अधिकार नहीं होते, लेकिन वो कहने के लिए अधिक प्रमुख होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। वैसे ही राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य शासन के प्रमुख होते हैं, नॉमिनल, नामधारी प्रमुख, सेरेमोनियल प्रमुख, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं होते, बस कहने के लिए वो प्रमुख होते हैं, उनको मान होता है, सम्मान के लिए वो प्रमुख होते हैं। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वो राष्ट्रपति को जब तक सही लगता है कि तब तक वो राज्यपाल बने रहते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उनको बदल देना चाहिए तो राष्ट्रपति जब चाहे तब बदल सकते हैं और फिर राज्यपाल नए लगवा सकते हैं। द गवर्नर ऑल्सो एंजॉय सर्टन लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्यपाल महोदय को कुछ अधिनियमिक अधिकार भी होते हैं, यानी कानून विषयक अधिकार। फॉर एग्जाम्पल द बिल्स पास बाय द विधानसभा एंड विधान परिषद आर कन्वर्टेड इनटू लॉज ओनली आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑफ द गवर्नर। जैसे हमारे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद कोई विधेयक, कानून, अधिनियम बनता है राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद ही, यानी जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है तब ही कोई बिल जो है वो कानून बनता है। वैसे ही स्टेट लेवल पर विधानसभा में अगर बिल पास करवाया और विधान परिषद में पास करवाया, उसके बाद गवर्नर की सिग्नेचर होने के बाद ही वो बिल एक्ट बनता है, उसको कानून अधिनियम का रूप प्राप्त होता है। द गवर्नर हैज द राइट टू समन द सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यपाल महोदय जो होते हैं वो विधानसभा का अधिवेशन, मतलब ये तीन अधिवेशन तो होते ही है वर्ष में, साल में, लेकिन उसके अलावा कोई अधिवेशन बुलाना है तो राज्यपाल महोदय विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। When the legislature is not in session, but the need arises to make the law, then the governor can issue an ordinance for the same. अगर समझ लीजिए लेजिस्लेचर, विधानसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा, लेकिन कोई अर्जेंटली, कोई तुरंत अधिनियम, कानून, लॉ बनाना है, तो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस पास करवा कर, यानी जिसे कहते हैं अध्यादेश कहते हैं, यानी विधानसभा में पास करवाए बिना ही वो लॉ बन जाता है, तो उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। लेकिन उसको बाद में 6 महीने के भीतर जो है वो उसको विधानसभा में पास करवाना पड़ता है। अगर सेशन में नहीं है विधानसभा तो वो ऐसा करना पड़ता है। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। जो मेजोरिटी पार्टी है, जो बहुमत जिस पक्ष में है, जिस दल के साथ है, वो विधानसभा में जिसके साथ बहुमत है, उसका प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। द चीफ मिनिस्टर इंक्लूड्स हिज और हर ट्रस्टवर्दी कलीग्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्री जो होते हैं उनके जो विश्वास जो सदस्यगण होते हैं उनको मंत्रिमंडल में, उनको अलग दूसरे मंत्रालय दिए जाते हैं, मंत्री बनाया जाता है, जैसे शिक्षा मंत्री वगैरह। लाइक द प्राइम मिनिस्टर हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे केंद्र सरकार की, केंद्र शासन के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वैसे ही राज्य शासन के प्रमुख कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज रन इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारा जो गवर्नमेंट जो है, राज्य शासन किसके नाम पर चलता है, राज्यपाल के नाम पर चलता है, यानी कोई भी आदेश जो है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना, सिग्नेचर के बिना एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यपाल को अधिकार नहीं होता कि मुख्यमंत्री ने अगर कोई भेजा है कि ये पास करवाना है तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार राज्यपाल को ज्यादा नहीं होता, कुछ हद तक होता है, बट इन रियलिटी द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय द चीफ मिनिस्टर। सारे काम जो है राज्य के वो राज्यपाल के नाम पर, गवर्नर के नाम पर करवाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में, प्रत्यक्ष रूप में उसको कौन करवाता है, मुख्यमंत्री करवाते हैं, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर सिर्फ नामधारी, यानी नाम के लिए होते हैं प्रमुख, कहने के लिए। फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अभी मुख्यमंत्री के क्या काम होते हैं वो देखेंगे। क्रिएशन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य शासन को स्थापित करना, यानी राज्य के सरकार को बनाना।
After proving the majority, the chief minister forms his or her council of ministers. विधानसभा में मेजोरिटी यानी बहुमत सिद्ध करने के बाद यानी 145 से ज्यादा सीट्स मत उनको मिलने चाहिए विधानसभा में, उसके बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं. दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव वेरियस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, वुमेन एंड माइनॉरिटीज एटसेट्रा हैव टू बी एकोमोडेटेड. तो जब मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं तब सभी लोगों को, सभी रीजन्स को यानी विदर्भ के कुछ सदस्यों को मंत्री पद मिलना चाहिए, मराठवाड़ा के सदस्यों को कुछ मिलना चाहिए, कोकण के हो गए, पश्चिम महाराष्ट्र के हो गए, खानदेश जिसे कहते हैं, जलगांव वगैरह उस रीजन के कुछ सभी का थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में होना चाहिए. फिर उस रीजन वाइज रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिर शेड्यूल कास्ट एससी के कुछ होने चाहिए, एसटी के होने चाहिए, ओबीसी के कुछ होने चाहिए, कुछ महिलाएं होनी चाहिए, कुछ माइनॉरिटीज होनी चाहिए, इन सभी का मतलब रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में आना चाहिए. ऐसा प्रयास किया जाता है. ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ सभी को सबका साथ सबका विकास ऐसा परंपरा है. तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेने के लिए ऐसा किया जाता है. इफ नो पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजोरिटी, डिफरेंट पार्टीज कैन कम टूगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. अगर एक ही पक्ष को, एक ही दल को बहुमत नहीं मिलता, एक ही पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, तो अलग अलग पार्टीज एक साथ मिलकर सरकार स्थापन कर सकते हैं. इन सच केस द चीफ मिनिस्टर हैज टू परफॉर्म द डिफिकल्ट टास्क ऑफ गिविंग अ प्लेस टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज इन द अलायंस. ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना पड़ता है, सारे जो युति है, अलायंस है, कोएलिशन है, उन सभी दलों को मंत्रियों में स्थान देना पड़ता है मंत्रिमंडल में. यानी कुछ मंत्री पद एक पार्टी को सरकार के, कुछ मंत्री पद दूसरे पार्टी को, ऐसे देकर करना पड़ता है बैलेंस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोस, खाते वाटप जिसे कहते हैं, यानी अलग अलग जो खाते वाटप, यानी अलग अलग कौन सा मंत्री पद किसको देना है, जैसे होम मिनिस्टर किसको बनाना है या फिर एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाना है, अलग अलग फील्ड, अलग अलग उसे कहते हैं पोर्टफोलियो. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द चीफ मिनिस्टर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स. कौन सी फील्ड किस मंत्री को देनी है वो मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं. While distributing portfolios, he or she has to consider the political experience, administrative skills, awareness of public opinion, leadership qualities, etc. तो मंत्री पद देने से पहले, किसको कौन सा मंत्री पद देना है उससे पहले उन्हें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का राजकीय अनुभव कितना है, उनका जो कार्यालयीन अनुभव कितना है, वो कैसे प्रशासकीय अनुभव है, कितना अच्छा काम कर सकते हैं वो, उनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, फिर लोगों का मत क्या है उनके बारे में, क्या लोग अच्छा सोचते हैं, फिर उनके उनमें क्या नेतृत्व गुण है, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज है, क्या वो सबको साथ लेकर लीड कर सकते हैं, ये सब ध्यान में रखकर उनको मंत्री पद देना पड़ता है. कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मंत्रालयों के बीच में जो है परस्पर सहयोग बनवाना. द चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो होता है वो सभी मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा या विधान परिषद की तरफ वो आंसरेबल होते हैं, यानी जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, यानी वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका उत्तर उन्हें विधानसभा विधान परिषद में देना पड़ता है लोगों को, विपक्ष को, अपोजिशन पार्टीज को. द चीफ मिनिस्टर बियर्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन. राज्य का काम कैसे चल रहा है, प्रशासन कैसे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, मुख्यमंत्री के ऊपर होती है. एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स कैन अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. अगर समझ लीजिए अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग मंत्रियों में परस्पर सहयोग नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतभेद है, झगड़े है, तो उसका काम सरकार के परफॉर्मेंस पर बुरा परिणाम होता है उसका, ठीक है, शासन के ऊपर बुरा परिणाम होता है. Therefore, the Chief Minister has to resolve conflicts between departments and ensure that they work towards the same goal and in the same direction. तो मुख्यमंत्री जी को इसका मतलब केयर करनी पड़ती है कि
अलग अलग मंत्रालयों के बीच में, अलग अलग मंत्रियों के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं है, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं और एक ही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं, वो उन्हें यानी उन्हें इंश्योर करना पड़ता है मुख्यमंत्री जी को। लीडर ऑफ द स्टेट, जस्ट एज द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कंट्री, द चीफ मिनिस्टर लीड्स द स्टेट। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्र के, राष्ट्र शासन केंद्र शासन के प्रमुख होते हैं, केंद्रीय सरकार के प्रमुख होते हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य शासन, राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज टू मेक न्यू पॉलिसीज बाय टेकिंग नोट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स ऑफ पीपल एंड वर्क टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री को सभी नीतियों के बारे में ठीक से, सभी समस्याओं के बारे में, लोगों की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में ध्यान देकर अच्छे काम करवाने पड़ते हैं लोगों के हित में, उनकी अच्छाई के लिए। द पीपल लुक एट द चीफ मिनिस्टर एज प्रॉब्लम सॉल्वर। जो आम लोग होते हैं, राज्य के जो नागरिक होते हैं, वो मुख्यमंत्री की तरफ एक समस्या को सुलझाने वाले प्रमुख, राज्य प्रमुख के तौर पर देखते हैं, आशा की किरण के तौर पर। द चीफ मिनिस्टर इंटरवेंस इन इश्यूज फेसिंग द स्टेट एंड कम्फर्ट्स द पीपल। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य की समस्याओं में ध्यान देते हैं, लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देते हैं और लोगों को अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द प्रोग्रेसिव स्टेट्स इन इंडिया। महाराष्ट्र एक पुरोगामी अच्छा राज्य है, यानी बहुत प्रगतिशील राज्य है। द स्टेट लीड्स इन सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। महाराष्ट्र राज्य जो है वो एजुकेशन में, शिक्षा में काफ़ी आगे है, इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र में काफ़ी आगे है, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में जैसे आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्रीज हो गई, उसमें काफ़ी आगे है, हेल्थ में हो गए यानी आरोग्य क्षेत्र में, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे राज्य में बड़े बड़े। फिर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षितता, हमारे देश, हमारे राज्य में ज़्यादा क्राइम रेट नहीं है, कम है क्रिमिनलिटी, तो ये एक अच्छी बात है। टेरर अटैक्स एंड नक्सलाइट, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट्स एक्टिव इन सर्टन रीजन्स आर द टू मेजर चैलेंजेस फेसिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में कुछ क्षेत्रों में टेरर अटैक्स हो चुके हैं, जैसे मुंबई का 26/11 अटैक हो गया, 26/11 का हो गया, पुणे में भी कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं, नक्सलाइट अटैक विदर्भ रीजन में जो है, नक्सलाइट जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी जो कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट आतंकवादी होते हैं, उनका, उनकी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं हमारा राज्य, लेकिन हमें उसे सुलझाना है, फेसिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये कुछ समस्याएं हमारे राज्य के सामने है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।